20 जुलाई 1969 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब इंसानों का पहला कदम चांद पर पड़ा था। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने नासा के बनाए अपोलो 11 मिशन के जरिए चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने थे। अपोलो 11 के सक्सेस के बाद नासा ने चांद पर इंसानों को फिर से भेजने के लिए कई और मिशंस करे थे। वे थे अपोलो 12, अपोलो 14, अपोलो 15, अपोलो 16 और अपोलो 17। नासा के ये सारे मिशन सफल रहे थे और 14 दिसंबर 1972 में अपोलो 17 नासा का किया गया आखिरी मैन्ड मिशन था। यूजीनी एंड्री सैंडनान चांद पर कदम रखने वाले आखिरी इंसान थे। उसके बाद दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी ने इंसानों को चांद पर नहीं भेजा। मतलब नासा ने 1969 से 1972 यानी 3 सालों में 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा था, लेकिन उसके बाद आज तक कोई भी एस्ट्रोनॉट चांद पर नहीं गया। लेकिन ऐसा क्यों? क्या चांद पर ऐसा कुछ नहीं बचा था जिसकी खोज में एस्ट्रोनॉट को वहां भेजा जाए? या नासा ने अपोलो मिशंस के जरिए कुछ ऐसा देखा जो आज तक दुनिया से छुपाया गया है? ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण इंसान दोबारा चांद पर नहीं गया? वेल, इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे आज इस वीडियो में। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक इंसान 5 बार चांद पर जा चुके हैं, लेकिन 1972 के बाद आज तक कोई नहीं। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 को लॉन्च किया गया था, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिन को भेजा गया था। इस मिशन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। इसी मिशन से ही इंसान पहली बार चांद पर कदम रखने वाला था। जब अपोलो 11 धरती के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके स्पेस में पहुंचा, तब नासा के कंट्रोल सेंटर 2400 घंटे अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट्स के संपर्क में थे और नासा के कंट्रोल सेंटर और एस्ट्रोनॉट्स के बीच हो रही सारी बातें रेडियो और टीवी पर लाइव दिखाई और सुनाई जा रही थी। लेकिन दोस्तों, बीच में एक ऐसा समय भी आया था जब नासा ने एस्ट्रोनॉट्स और अपने बीच के कन्वर्सेशन के कुछ मिनट्स कट कर दिए थे। दोस्तों, कोई भी इंफॉर्मेशन वेरीफाई होने के बाद ही टीवी और रेडियो पर सुनाई और दिखाई जाती थी, लेकिन उस 2 से 3 मिनट की कन्वर्सेशन में ऐसी क्या बात हुई होगी जो पूरी दुनिया से छुपाई गई थी? वेल, कई बड़े हैकर्स ने नासा के कुछ सिस्टम को हैक किया था जिसमें उन्हें 2 मिनट की ऑडियो मिली थी। क्या था उस ऑडियो में, आप भी सुने। दोस्तों, इस ऑडियो में नील आर्मस्ट्रांग कंट्रोल रूम से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी शिप से थोड़ी सी दूर पर ही एक एलियन शिप भी खड़ी हुई है, जहां से वो सीधा हमें ही देख रहे हैं। यूएफओ एक्सपर्ट का मानना है कि एलियन सिविलाइजेशन आज भी मौजूद है और जो तस्वीरें चांद पर लिए गए थे वो काफी एडिट करने के बाद ही रिलीज किए जाते हैं। जैसे कि ये पिक्चर में आप नील आर्मस्ट्रांग को अमेरिकन फ्लैग के पीछे खड़े सैल्यूट करते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन हम इस इमेज का एक्सपोजर बढ़ाकर देखें तो ऊपर की साइड एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। वेल, नील आर्मस्ट्रांग की बायोग्राफी में बताया गया है कि उनको डेली डायरी लिखने का शौक था और कई एलियन थ्योरिस्ट ने ये दावा भी किया है कि उन्होंने अपनी डायरी में एलियन एनकाउंटर को एक पहेली में दर्शाया है। दोस्तों, नासा आखिरी बार चांद पर 1972 में गए थे। वो आखिरी साल था जब किसी इंसान ने चांद पर कदम रखा था। लेकिन दोस्तों, नासा ने उसके बाद भी कई मिशंस चांद पर जाने के लिए तैयार किए थे, जिनमें 3 मिशन शामिल थे। वे थे अपोलो 18, अपोलो 19 और अपोलो 20। लेकिन नासा ने 3 मिशन कम बजट होने के कारण लॉन्च ही नहीं किया था। क्या वाकई नासा के पास बजट की कमी थी या वो हमसे कुछ ऐसा छुपा रहे थे जिसके कारण दुनिया भर में डर का माहौल फैल जाए? 12 साल पहले एक YouTube यूजर ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें अपोलो 20 मिशंस की डिटेल फुटेज दिखाई गई थी। जब वो वीडियो अपलोड हुई, वो इतनी तेजी से वायरल हुई कि ऐसा क्या था वीडियो में? दरअसल उस वीडियो में सोवियत और अमेरिकन द्वारा 1976 में एक मिशंस को लॉन्च किया गया था जिसमें चांद पर फिर से एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया था। इस वीडियो क्लिप में आपको कैबिन से चांद का लिया गया एक वीडियो दिख रहा होगा, लेकिन इस वीडियो में जो चौंकाने वाली चीज देखने को मिलती है वो है एक फीमेल डेड बॉडी जिसका नाम मोनालिसा 1 रखा गया था। जब ये वीडियो के बारे में नासा को पता लगा तो नासा ने इसे अपोलो 20 हॉक्स करार कर दिया, यानी ये मिशंस की डिटेल सारी फेक है।
15 जुलाई 2007 में अपोलो 20 के एस्ट्रोनॉट विलियम रटलेज ने एक इंटरव्यू भी दिया था और ये टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री के तौर पर भी दिखाया गया था जिसका टाइटल था एलियंस ऑन मून द ट्रूथ एक्सपोज, जिसमें बताया गया था कि अपोलो 20 को डेलपोर्ट नाम के क्रेटर पर लैंड कराया गया था। उससे कुछ ही दूरी पर एस्ट्रोनॉट्स को टूटी हुई शिप दिखी थी जिसको देखकर लग रहा था कि वो मानो कई सालों से पड़ी हुई थी। जब एस्ट्रोनॉट उस एलियन शिप के अंदर गए तब उन्हें वहां दो एलियन डेड बॉडी मिली थी जिसमें एक मेल की थी और एक फीमेल की, जिनमें से फीमेल की बॉडी को धरती पर लाया गया था और उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया था और वो जगह थी एरिया 51। वेल, विकिपीडिया पर अपोलो 20 की इस स्टोरी को नासा ने एक फेक स्टोरी बताकर बात को दबा दिया गया है, लेकिन कई यूएफओ रिसर्चर इस स्टोरी का समर्थन करते आए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अपोलो 20 स्टोरी पूरी तरह फेक है या ये मिशन सही में चोरी छुपे किया गया था? अगर नहीं तो अपोलो 20 की इन्फॉर्मेशन लीक करने वाले लोग रहस्यमय तरीके से गायब क्यों हो गए? क्या वाकई चांद के डार्क साइड वाले एरिया में कुछ है? दोस्तों, आपको क्या लगता है, एलियन वाकई में मौजूद है? मुझे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।